दोस्तों, अभी मैं कुछ समय पहले सो के उठा हूँ। आप क्लास जाएंगे, आज क्लास निशिंदा थाना की तरफ है, यानी कि अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो पहला वीडियो में मैं एक हाईवे की तरफ से जा रहा हूँ, वहीं पे आज एक और क्लास है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मैं अभी जा रहा हूँ निशिंदा वाले कराटे क्लास में। अभी मैं हाईवे के जस्ट बगल में हूँ, ये जो आप देख रहे हैं वो हाईवे है, और मैं हाईवे के बगल में एक छोटी लाइन बोलते हैं इसे, मैं उस पर जा रहा हूँ। अचानक से सामने से ट्रक चलाया और मैं साइड हो गया। चलिए चलते हैं क्लास, क्लास में आपसे बात करते हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर है, और सामने ये सब गाड़ी जो कि कभी ना कभी एक्सीडेंट किया हुआ है, इसके कारण यहाँ सब यह गाड़ी फेंका गया है। ये जितने भी गाड़ी यहाँ पर हैं कभी ना कभी एक्सीडेंट किए हैं, जिसका अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नतीजा नहीं निकला है कि उसको मालिक को देना है कि नहीं देना, इसलिए साइड में यहाँ पर फेंक दिया गया। चलिए चलते हैं पहले क्लास। 2 3 4 क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ मैं चला आया हाईवे की तरफ में, क्योंकि मुझे आज एटीएम जाना था, इसलिए हाईवे की तरफ से रास्ता है। तो मैं हाईवे पर आप खड़ा होकर देख लीजिए सामने का वेदर कितना अच्छा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सुबह दुकान खोल लिया हूँ, और अभी चलते हैं हम दुकान के भगवान का पूजा करने के लिए। तो अभी मैं अपने दोस्त के रूम पर आया हूँ। आपने जब मुझे दुकान में देखा था, उसके बाद मेरा भाई चला आया था दुकान में, उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास जो थोड़ा काम बचा हुआ मेरा तो वो काम करने के लिए चला आया था। अब इसके बाद में छत पर आज जाने का मन नहीं कर रहा, अब यहाँ से हम घर निकलेंगे। अच्छा चलिए अब चलते हैं घर और मिलते हैं शाम को। यह है मेरे घर का रास्ता, और यहाँ पे मैंने अपना साइकिल को पार्क कर दिया है, यानी कि मैं साइकिल अपना यहाँ पर ही रखता हूँ और मैं घर में चला जाता हूँ। यहाँ से सीधा रास्ता आता है। और गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के बज रहे 6:30 और मैं अभी दुकान पर हूँ। मैंने दुकान खोल लिया है, बट बाहर बारिश हो रहा है, मैं अभी कपड़े को फिर से अंदर करूँगा। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैंने सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोड़ दिए हैं, और सामने काफ़ी कम कपड़े रखे हैं जो कि बारिश में भींगे ना। कपड़े अगर बारिश में भीग जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने जस्ट अभी दुकान खोला और संग संग बाहर कपड़ा रखा, और फिर से बारिश होने लगा, तो कपड़ा को फिर से अंदर करना पड़ेगा। चलिए अब करते हैं भगवान का पूजा। हम पूजा कर लिए हैं, ठीक है, अभी पूजा कर लिए हैं। अब देखते हैं कस्टमर के बारे में, कस्टमर क्या हाल चले। तो इनसे तो कुछ इतना अच्छा बाज़ार है नहीं, बट फिर भी आज आई थिंक आज बाज़ार अच्छा होगा, तो बैठ लेते हैं और देखते हैं क्या हाल चला। कस्टमर आए थे, देखिए दुकान का हालत क्या है। एक कस्टमर को दिखाने के लिए इतना सारा जीन्स दिखाया मैंने, इतना सारा टी शर्ट दिखाया, पूरा दुकान का अवस्था क्या करके रखा हूँ देख लीजिए।
ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को जो पसंद होगा वही मिलेगा। कस्टमर को बहुत सारा क्वालिटीज़ दिखाए हैं, उसमें से कस्टमर को कुछ कपड़ा पसंद आया वो फिर वो कपड़ा लेकर गया। तो एक कस्टमर के पीछे बहुत खटना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत कुछ लाइक कपड़ा की क्वालिटी के बारे में बताना पड़ता है। के बज रहे 11, मैं अपने घर की तरफ आ चुका हूँ दुकान को बढ़ा के। आज की बाज़ार की बात करें तो आज की बाज़ार उतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी लॉस नहीं हुआ है, बट ठीक है।